एसबी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर यदि आप नए हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से E5 फार्मूले की घोषणा किया गया है। E5 में E के 5 प्रकारों का क्या तात्पर्य है और इसका उद्देश्य क्या है, इसके लिए अभी हाल में ही शासन में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। यह बैठक सड़क सुरक्षा को लेकर के आयोजित की गई थी। इस सड़क सुरक्षा में इस बात पर बल दिया गया कि पिछले एक साल में जितनी मौतें हुई हैं सड़क एक्सीडेंट में, वह COVID-19 के 3 सालों के लगभग आंकड़े के जो बराबर है। यह इस आधार पर चिंताजनक है कि कोविड के समय में किस तरीके से मौतें कम हुई सड़क दुर्घटना में, जो कि पिछले एक वर्ष में बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो ऐसी स्थिति में इस सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए शासन में उच्च स्तरीय बैठकें की गई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से E5 फार्मूले को घोषित किया गया। यहाँ पर E5 में 5 प्रकार के ई का प्रयोग किया गया है, जो कि एजुकेशन, इन्वायरमेंट, इन्फोर्समेंट, इमरजेंसी और इंजीनियरिंग के कांसेप्ट को एक साथ समन्वित रूप में प्रयोग करने के सिद्धांत का समर्थन करता है, ताकि आने वाले समय में सड़क दुर्घटनाओं को बहुत कम किया जा सके। हालांकि इसके लिए विभिन्न प्रकार के विभागों में सड़क सुरक्षा सप्ताह को भी मनाए जाने का निर्णय लिया गया है, और अक्सर जो है सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए प्रशासन, परिवहन, इसी तरीके से शिक्षा विभाग तथा अन्य महत्वपूर्ण विभाग के समन्वित प्रयास के माध्यम से इसकी रणनीतियां तय की जाती हैं, जन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि सड़क सुरक्षा में होने वाली दुर्घटनाओं को कम किया जा सके और लोगों को जागरूक करके होने वाली मौतों के आंकड़े को नियंत्रित किया जा सके। तो यहाँ पर जो है E5 फार्मूला जो है वो 5 प्रकार के कांसेप्ट को समन्वित रूप में प्रयोग करने के सिद्धांत का समर्थन करता है, ताकि आने वाले समय में सड़क सुरक्षा को बढ़ाया जा सके, दुर्घटना को कम किया जा सके, मौतों के आंकड़े को पूर्व वर्षों की तुलना में आने वाले समय में कम किया जाना संभव हो सके। क्योंकि किसी व्यक्ति के जीवन का इतना महत्व होता है कि वह व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय क्षेत्र में जो योगदान दे सकता है वो कहीं ना कहीं जो है मौतों के कारण से प्रभावित हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये जो है आंकड़ा मौतों का जो रहा है, उस मौत के आंकड़े को कम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यह सम्मेलन और यह फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के इस संक्षिप्त सेशन में बस इतना ही। पुनः अगले सेशन में हम लोग कुछ नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।